वेलकम टू एकेडमी जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर लॉसेस पे। आज की वीडियो में मैं आपको काफी डिटेल के साथ बताऊंगा कि जब सिग्नल फाइबर के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है तो उसको किन किन लॉसेस का सामना करना पड़ता है। आज उन तमाम लॉसेस पे काफी डिटेल के साथ आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिन टॉपिक्स पर हमने आज बात करनी है, हम पहले बात करेंगे एटेन्यूएशन बेसिकली होती क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉसेस क्या होते हैं, स्कैटरिंग लॉस क्या होता है, डिस्पर्शन लॉस क्या होता है, मॉडरेट डिस्पर्शन क्या होता है, बेंडिंग लॉस क्या होता है, और इन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए आप अपने एंड पे क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। लेकिन एक बात का खास तौर पर ख्याल रखना, आज की वीडियो जो है उसके अंदर हम उन लॉसेस पे बात नहीं करेंगे जो कि फाइबर के एक्सटर्नली उसके ऊपर होते हैं। लेट सपोज के फाइबर कट गया तो वहां पे क्या नाम अपना स्प्लाइसिंग लॉस आया था, मैकेनिकल स्प्लाइस करते हो या फ्यूजन स्प्लाइस करते हो, उसके अपने लॉसेज होते हैं, कनेक्टर के लॉस होते हैं, रिटर्न लॉस, इन तमाम लॉसेज पे हम लोग बात वेरी नेक्स्ट वीडियो जो दो दिन के बाद मैं पावर बजट कैलकुलेशन के नाम से बनाने वाला हूं तो उसका नाम मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वीडियो उसी वीडियो की सीरीज का समझो एक पार्ट है, तो उसको बनाने के लिए मुझे ये पहले बनानी जरूरी थी। अच्छा, अब वीडियो की जानी मूव करते हैं। अगर आपको फाइबर ऑप्टिक की बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो यार एटलीस्ट ये वाली वीडियो जो academy-hi.com की वेबसाइट पे मौजूद है, इसको आप लोग अकेडमी के साइट पे जाकर राइट हैंड में सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पे खाली ऑप्टिकल फाइबर लिखो, ये वीडियो सामने आ जाएगी। इसमें मैंने आपको बताया है सिंगल मोड फाइबर क्या होता है, मल्टी मोड फाइबर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, लाइट दोनों में से ट्रेवल किस तरीके से करती है, तमाम बातें काफी डिटेल के साथ इस वीडियो का हमने डिस्कस किया। एटलीस्ट इसको सुन के आना, अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो आज की वीडियो कंटिन्यू करो। ओके, हम वीडियो की जानी मूव करते हैं। देखें, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर हमने आज तक जितने भी सिस्टम पढ़े हैं, जिसमें हमने पीडीएच पढ़ा है, हमने डीडब्ल्यूडीएम पढ़ा है, हमने और एक क्या था एसडीएच पढ़ा है हमने, ये तमाम वीडियोस जो एकेडमी की साइट पर मौजूद हैं, राइट हैंड पर सर्च के ऑप्शन में लिखोगे वीडियो सामने आ जाएंगे। इन सब के अंदर हमने एक बात कही थी भाई कि एक सिस्टम एक एंड पे लगा, दूसरा सिस्टम दूसरे एंड पे लगा होता है, एक को हम कहते हैं ट्रांसमीटर, एक को हम कहते हैं रिसीवर। ट्रांसमीटर जो ऑप्टिकल पावर आउट करता है उसको अदर एंड तक पहुंचना लाजमी होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगाते हैं। ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर क्या करते हैं, जब सिग्नल फाइबर के थ्रू ट्रेवल कर रहा होता है, अभी जस्ट सपोज कर लो अभी फाइबर बिल्कुल नया डाला है, बीच में कोई कटिंग वगैरह नहीं आई है, कोई स्प्लाइस नहीं हुई है, सही है, तो फाइबर के अपने भी लॉसेज होते हैं जिनको आज हमने फाइबर के इंटरनल अपने जो लॉसेज होते हैं जिन पे आज हम बात करेंगे, तो उन लॉसेस की वजह से भी सिग्नल अटेन्यूएट होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्नल की पावर ये थी, अटेन्यूएट होकर ये हो गई ऑप्टिकल एम्पलीफायर के की इनपुट पे ये हो गई, तो एम्पलीफायर ने दोबारा इसको एम्पलीफाई कर दिया, फिर चलता चलते ये होगी पावर दोबारा अटेन्यूएट हो गई, फिर एम्पलीफाई कर दिया। लेकिन यार एक बात जहन में रखना, क्या आप इस तरह ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगा लगा के क्या फाइबर को दुनिया के गोल 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 घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते। क्यों नहीं घुमा सकते, इसकी भी रीजन है, क्योंकि हर फाइबर की एक करेक्टरिस्टिक्स होती है कि यार इससे ज्यादा सिग्नल को उसमें से ट्रेवल करवाते जाओगे तो उसके ऊपर कुछ इंटरनल लॉसेस ऐसे आते हैं जो सिग्नल को परमानेंट डैमेज कर देते हैं, फिर आप उसको ऑप्टिकल एम्पलीफायर से भी रिकवर नहीं कर सकते, उन चीजों पर आज हम बात करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, जब आप सिग्नल जो ट्रेवल यहाँ से करवाते हो तो इसकी कोई ना कोई आउटपुट पावर होती है, और अदर एंड पे जो है आप का जो रिसीवर होता है उसकी एक कहलाती है इनपुट सेंसिटिविटी। इनपुट सेंसिटिविटी क्या होती है, अदर एंड वाला ये बोलता है कि भाई मेरे पास एटलीस्ट इस लेवल का सिग्नल भेज देना तो मैं उसमें को आइडेंटिफाई कर लूंगा और उसमें से इंफॉर्मेशन गेट कर लूंगा, सही है। अगर उससे कम लेवल का सिग्नल भेजोगे तो सिग्नल, हम बोलते हैं सिस्टम सिंक नहीं हो रहा, सिंक से मुराद ये कि अदर एंड वाला के पास जो सिग्नल पहुंच रहा है, पहुंच तो रहा है, वहां पावर आ रही है, आप देख रहे हो, हाँ यार, लेकिन यार वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने अपनी लिमिट सेट की हुई कि भाई मेरी इनपुट सेंसिटिविटी इतनी है, इससे कम भेजोगे तो मैं उसको सेंस नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो अटेन्यूएशन जो होती है इसमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है आपको कि आप यहाँ से जो सिग्नल आउटपुट भेजोगे उसको बीच में आपने उसको इतनी दफा एम्पलीफाई करना है कि अदर एंड पर पहुंचते उसकी वो इनपुट सेंसिटिविटी, उसकी जो रिसीवर की डिमांड है उसको आप पूरा कर सको। तो आज हम बात करेंगे उसी। अच्छा हाँ, दूसरी बात ये कि ये जो वीडियोस जो OTDR और ऑप्टिकल पावर मीटर जो हम लोग ये आज के अटेन्यूएशन वाली वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे इनका, तो ये सारी के सारी यहाँ पे मौजूद, ये दोनों पोस्ट भी है इनको अकेडमी साइट पे आके एक मरतबा देख लेना। अब हम बात करते हैं अटेन्यूएशन की। अटेन्यूएशन कहते किसे हैं,
अटेन्यूएशन माने होता है सिग्नल की शक्ल का बिगड़ जाना, सिग्नल का डिस्ट्रॉय हो जाना, सिग्नल का खत्म हो जाना, या एटलीस्ट सिग्नल का इस तरह हो जाना कि अदर एंड पर सेंस के काबिल ना रहे, यानी अदर एंड उसको इनपुट सेंसिटिविटी से कम लेवल का गिर जाना उसका, सही है। हम कहते हैं सिग्नल अटेन्यूएट हो गया, अदर एंड पर सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा, लेकिन अदर एंड पर जाके आप पावर मीटर या पावर तो आ रही है लेकिन सिग्नल सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। वो क्यों नहीं कर पा रहा कि भाई, क्योंकि सिस्टम की जो इनपुट सेंसिटिविटी है, सिस्टम ने जो आपसे इनपुट इतनी डिमांड किया, आप उतना सिग्नल नहीं आ पा रहा, इसको हम कहते हैं सिग्नल अटेन्यूएट हो गया। ये अटेन्यूएशन इलेक्ट्रिकल के अंदर भी होती है, ये अटेन्यूएशन ऑप्टिकल के अंदर भी होती है, ये अटेन्यूएशन जो आपका वायरलेस सिग्नल जो होता है, जो मैंने लास्ट टाइम 5G वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर एयर पार्टिकल के एयर इंटरफेरेंस इतनी आती है कि वो ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाते, क्योंकि सिग्नल अटेन्यूएट होता जाता है, पावर खत्म होती चली जाती है, तो इसे हम कहते हैं सिग्नल अटेन्यूएशन। ऑप्टिकल फाइबर के लैंग्वेज के नाम इसको इस तरह कहेंगे, जिस तरह सिंगल मोड फाइबर है और एक मल्टी मोड फाइबर है, दोनों के अंदर आपको नजर आ रहा है, दोनों से आपने सिग्नल दिया, सिंगल मोड के आगे जो सिग्नल मिला उसकी शक्ल इतनी नहीं बिगड़ी जितनी मल्टी मोड के अंदर बिगड़ गई, क्योंकि जो हम लॉसेस पे बात कर रहे हैं, ये लॉसेस जो होते हैं मल्टी मोड फाइबर में ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं अभी मैं आपको आगे बताता हूं। पहले हम बात करेंगे सबसे पहले एब्जॉर्प्शन लॉस। एब्जॉर्प्शन को उर्दू में कहते हैं जज्ब कर लेना, अपने अंदर ले लेना, सही है, एब्जॉर्ब कर लेना। एब्जॉर्प्शन लॉस में होता क्या है? एब्जॉर्प्शन लॉस में ये होता है कि भाई आपका फाइबर जो बनाया जाता है वह 99.9999% प्योर ग्लास का बनाया जाता है, लेकिन मैंने 100% नहीं बोला, यानी इसमें इम्प्योरिटी के चांसेस होते हैं 0.00001, यानी पार्ट 1 मिलियन इस टाइप की इसकी टर्म इस्तेमाल होती है, यानी बहुत एक आध पार्ट आ जाता है बीच में, लेकिन वो जो एक आध पार्टिकल मेटल पार्टिकल बीच में आ जाता है वो क्या गड़बड़ करता है। आपको मैंने मेरी जो अदर साइट है सलमान अकेडमी के नाम से, जहाँ पे मैं बेसिक साइंसेज की वीडियो बनाता हूँ, तो वहाँ पे मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था सलमान अकेडमी के ऊपर, तो वहाँ पे मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एक बार बताई थी कि जो एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं इनके ऊपर एटॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर जो है ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, सही है। जब इनको एनर्जी मिलती है तो ये एनर्जी गेन करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में आके अदर ऊपर वाले जो ऑर्बिट में मूव कर जाते हैं, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। यही कहानी यहाँ पे एटम के साथ भी होती है। यहाँ पे जो एटॉमिक पार्टिकल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी जो ऑप्टिकल एनर्जी जो आई होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद आपको ये भी मैंने बताई थी कि इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, ये हीटअप हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन बहरहाल ऑप्टिकल में ये क्या करते हैं, ये पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जो अपना अंदर स्ट्रक्चर चेंजेस होती है वो तो होती है, यहाँ पर हीटअप हो जाता है, लेकिन जो आगे जो पावर फाइबर की निकलती है वो सॉरी ऑप्टिकल सिग्नल की निकलती है वो कम से कम होकर पावर रिड्यूस होकर आगे निकलती है, यानी ये जो बीच में एब्जॉर्प्शन लॉसेज आते हैं बहुत कम होते हैं लेकिन बहरहाल होते हैं, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉसेस, यानी जो जो एटॉमिक पार्टिकल है उसने लाइट पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को पावर दे दिए, अब उसका इलेक्ट्रॉन जो है इस पार्ट को पूरे हिस्से को गर्म कर रहा है या वाइब्रेशन जो भी हो रही है वो अपने यहाँ पे सारी गड़बड़ हो रही है, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉसेस। अच्छा, आज की वीडियो का जितना भी टेक्स्ट मटेरियल है ना इसको अगर डिटेल में आके पढ़ना है तो अकेडमी की साइट पे मैं आज की वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ जो भी मैं आप तो यूट्यूब पे सुन लेते हो लेकिन ये वीडियो जब मेरी साइट पे जाके देखो वहाँ पूरा टेक्स्ट मटेरियल लिखा हुआ, तो उसको एक मरतबा लाजमी इस वीडियो के बाद पढ़ लिया करो। ये हो गया एब्जॉर्प्शन लॉस। अब हम बात करते हैं स्कैटरिंग लॉस। स्कैटरिंग लॉस ये होता है भाई कि आपको मैंने जब ऑप्टिकल फाइबर बताया था उसमें मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताई थी, तो हमने कहा था कि यार डेंस मटेरियल जो कोर एंड क्लैडिंग के अंदर डेंसिटी का फर्क होता है उसकी डेंसिटी की वजह से जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, ये सारी बात हमने उसमें कही थी, नहीं पता तो उस वीडियो को सुन के आना। तो मैंने क्या कहा था कि यार कोर की भी अपनी डेंसिटी होती है और क्लैड की भी अपनी डेंसिटी होती है, लेकिन फिर हमने एक बात और बोली थी, हमने ये कहा था जो कोर जितनी भी बनी हुई होती है बीच वाले येलो मटेरियल कोर जो होता है सेंट्रल पार्ट जो होता है फाइबर का, इसकी डेंसिटी सेम होनी चाहिए, बेशक क्लैट से डिफरेंट हो, क्लैट की जो होगी जो भी इसकी डेंसिटी होगी वो पूरी क्लैट के अंदर सेम होगी, कोर की जो भी होगी पूरी कोर के अंदर सेम होगी, लेकिन जब जाहिर सी बात है मशीनें उसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं कहीं ना कहीं गलती की गुंजाइश हो सकती है, सही है। तो इसकी डेंसिटी होती बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल एक सेम डेंसिटी होती है पूरी कोर की, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है ड्यूरिंग फैब्रिकेशन
किसी जगह पे किसी हल्के से पार्ट के अंदर डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है या थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कोर के अप में इंटरनली किसी एक स्पॉट पे डेंसिटी का फर्क आ जाता है। उस डेंसिटी के फर्क आने की वजह से रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो हमने पढ़ा था डेंसिटी के अंदर होता है वो फिनोमेना गड़बड़ हो जाता है और यहाँ पे अंदर ही थोड़ी सी अपनी रिफ्लेक्शन हो जाती है। अब इससे क्या होता है, ये डेंसिटी का छोटा सा एक जगह पे फर्क आया है पूरे फाइबर के अंदर, बहुत कम ऐसा होता है लेकिन आता है, बहरहाल ये एक माइनर सा फर्क आ गया। इसकी वजह से क्या होगा, यहीं पे थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे इधर उधर पार्टिकल में ब्रेक होगी लाइट और बाकी लाइट सीधी आगे ट्रे, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन नहीं हुई, यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट हो गई है ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी। अगर हमको पढ़े व्हेन लाइट रे इंटरेक्ट्स विद अ पार्टिकल विद डिफरेंट डेंसिटी लेवल एंड सेंड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन नहीं होती है लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होती है, लाइट इधर उधर बिखर जाती है और ज्यादातर सीधी गुजर जाती है लेकिन बाहर कुछ ना कुछ लॉस यहाँ पे होता है। ऐसे लॉस को हम कहते हैं स्कैटरिंग लॉस। इस लॉस को समझने के लिए आप जो है ऑप्टिकल फाइबर की वीडियो में आपको बोल रहा हूँ बार बार उसको समझ के आना, क्योंकि उसमें मैंने आपको बता दिया है कि डेंसिटी क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, सारी बातें उसमें हमने डिटेल में बात कही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे डिस्पर्शन लॉस। डिस्पर्शन लॉस किसे कहते हैं, लाइट का डिस्पर्स हो जाना। अब डिस्पर्स होने का बचपन से एक चीज ये जो है ना आप लोग अपनी किताबों में देखते हुए आ रहे हो, इसमें क्या देखते हैं हम लोग, इसमें ही देखते हैं कि व्हाइट लाइट जो आती है ये मल्टीपल वेवलेंथ मुश्तमिल जो उसे किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो भाई अपने अपने जो अपनी अपनी वेवलेंथ में डिवाइड हो जाए, हम बोलते हैं पूरा कलर का रेनबो बन गया, सही है। लेकिन भाई आप एक बात देखो, ये लाइट जो आई है एंटर हुई है ये भी एक मीडियम है ना, इसकी अपनी हाई डेंसिटी, इसकी अपनी डेंसिटी होती है, ये जो एयर मीडियम है इसकी डेंसिटी कम है और ये जो ग्लास मीडियम है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है फिर दूसरे से फिर दोबारा पहले में एंटर होती है तो मीडियम की चेंजेस की वजह से लाइट की जो वेवलेंथ होती है और उसकी स्पीड होती है उस पर फर्क आता है, फर्क आने की वजह से लाइट डिस्पर्स हो जाती है, अपनी अपनी वेवलेंथ में ब्रेक हो जाती है। अगर ये फिनोमेना आपको पता है बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता तो सलमान एकेडमी में जाइए काफी डिटेल में देख लेना, वरना वही ऑप्टिकल फाइबर वाली वीडियो एक मरतबा देख लेना। अच्छा, यानी लाइट का इस तरह डिस्पर्स हो जाना अपनी वेवलेंथ के अंदर ब्रेक हो जाने से हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब यही काम आपके ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है। ऑप्टिकल फाइबर में किस तरीके से होता है भाई, जब आपने बाहर से लाइट को अंदर फाइबर के अंदर इन किया, इन करने के बाद भाई लाइट जो है एकदम नहीं हो जाती ब्रेक, आपने बहुत लेंथी एक फाइबर को एक लंबे लेंथ पर आपने उसको इंस्टॉल कर दिया, जब काफी लेंथ के अंदर जब लाइट ट्रेवल करती करती रहती है तो भाई मीडियम तो है ना ये, इस मीडियम के अंदर जो है वेवलेंथ के अंदर वेवलेंथ जो है ऐसा ऐसा ब्रेक होना शुरू हो जाती है, तो फाइबर की जो लाइट जो एक एक बीम आपने दी थी वो अपनी अपनी मल्टीपल बीम्स के अंदर इंटरनली कन्वर्ट हो जाती है। जब अदर एंड पे मिलती है तो मल्टीपल बीम मिलती है, तो अदर एंड पे जो एक सिग्नल आपने यहाँ पे दिया तो वही सिग्नल अदर एंड पे मिल तो जाता है लेकिन वो थोड़ा सा डिस्पर्स हुआ हुआ होता है, थोड़ा सा समझो चौड़ा हो जाता है वो, सही है, उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि उसमें मल्टीपल वेवलेंथ के लाइट्स जो आगे पीछे रिसीव हो रही होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लाइट आपने इंटर की होती है इसके अंदर जो मल्टीपल वेवलेंथ होती है ये अपनी इतनी स्पीड की वजह से होती हैं, तो हर एक की स्पीड अलहदा होती है अपने मीडियम में गुजरने की वजह से, कोई जल्दी पहुंच जाती है कोई स्लो पहुंच जाती है। ये फिनोमेना आपके पास ये अपने कब आता है, जब आप बहुत लंबी लेंथ तक फाइबर को इस्तेमाल करें जब ये फिनोमेना आता है, इस वजह से कहते हैं कि फाइबर को एक लेंथ से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और वो लेंथ कहाँ पे मेंशन होती है वो आपके फाइबर की पूरी डेटा शीट में मेंशन होती है। इसी वजह से जो है ये फाइबर जो आपका जो फाइबर के अंदर जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल होती है, कहते हैं भाई खाली एक वेवलेंथ के लाइट को ट्रैवल करवाओ, 1310 की वेवलेंथ डालो या 1550 के वेवलेंथ डालो, यानी मल्टीपल वेव ऐसी लाइट ट्रैवल मत करवाओ जिसके अंदर मल्टीपल वेवलेंथ, यानी ऐसी लाइट ट्रैवल करवाओ सिर्फ जिसकी सिर्फ एक वेवलेंथ हो, 1550 की हो, 1310 की हो या 850 की हो, ताकि वो अंदर जाके जो ये वाला डिस्पर्शन लॉस ये क्रिएट ना करे। अब होती है मॉडल डिस्पर्शन। मॉडल डिस्पर्शन जो होती है ये आपके पास होती है मल्टीमोड फाइबर के अंदर। मल्टीमोड फाइबर के अंदर क्यों होती है वो वाली जो हमने पहले भी डिस्पर्शन पढ़ी थी वो सिंगल मोड के अंदर होती थी, ये मल्टीमोड के अंदर मॉडल डिस्पर्शन वो क्या नाम अपना डिस्पर्शन तो होती है लेकिन इसकी एक मजीद टाइप होती है मॉडल डिस्पर्शन, वो भी इसके अंदर होती है क्योंकि मॉडल डिस्पर्शन भी बहरहाल डिस्पर्शन की एक टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब आप मल्टीपल आपको पता मल्टीमोड वेवलेंथ मल्टीमोड फाइबर के अंदर जो मल्टीपल लाइट्स आप लोग उसके अंदर इन करवाते हो, सही है,
एक सिग्नल न्यू ट्रेवल करवाया आपने, एक सिग्नल न्यू ट्रेवल करवाया, अब वही सिग्नल जाहिर सी बात है, अब मैंने क्या डिस्कशन किया होती है, हर सिग्नल ब्रेक होना शुरू हो जाएगा एक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद, सही है। जब ब्रेक होना शुरू होगा तो उसमें क्या होगा, ये भी अपनी अपनी वेवलेंथ ब्रेक होगा, ये भी अपनी अपनी वेवलेंथ ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद एक लेंथ से ज्यादा जब आप इसको ट्रेवल करवाओगे तो क्या होगा, सिग्नल आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, यानी सिग्नल आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने शुरू हो जाएंगे, वही सिग्नल की ब्रॉडनिंग की वजह से सिग्नल ब्रॉडर हो गया इसके अंदर। तो ये अब ये डिस्कशन होती है आपके पास सिर्फ और सिर्फ मल्टी मोड फाइबर के अंदर, और वो वाली डिस्कशन किसमें होती थी, जो क्रोमेटिक डिस्कशन में पड़ी थी, ये होती थी सिंगल मोड फाइबर के अंदर। आई बात ध्यान में, अच्छा ये जो डिस्पर्शन थी, ये डिस्पर्शन जो है सिंगल मोड फाइबर की लेंथ को लिमिट करती है कि भाई आप इससे ज्यादा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर आप इसके ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये सिग्नल खराब हो जाएगा। तो वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी भाई, कि आप लोग जो है ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगा देते हो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, लेकिन सिग्नल जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगा हुआ होता है उसको ये तो नहीं पता ना कि भाई लाइट जो है अपने पार्ट्स में ब्रेक होती जा रही है। वो ऑप्टिकल एम्पलीफायर का क्या काम होता है, सिर्फ कि भाई जो उसका लाइट का सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करके आगे ट्रेवल करवा दे, सही है। तो इसका मतलब क्या, वो करवा देगा, लेकिन अगर मल्टीपल लाइट ब्रेक होती जाएगी वो उनको भी एम्पलीफाई करके आगे करवाता जाएगा। तो एक हद तक तो ये वाले डिस्कशन एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक हद तक एम्पलीफाई होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, तो आप एक लिमिट पे जाके, अब सिग्नल एम्पलीफाई तो हो रहा है अदर एंड पे पहुंच तो रहा है, लेकिन वहां पे अदर एंड पे क्या होगा, वहां पे अदर एंड पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे मेरा असल इन्फॉर्मेशन है क्या इसके अंदर। इसी वजह से मैंने कहा था कि एम्पलीफायर लगा लगा के जो है पूरी दुनिया के अंदर गिर आप फाइबर को गोल 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 नहीं घुमा सकते। यही इसी तरह जो मॉडल डिस्पर्शन होती है ये मल्टी मोड फाइबर को लिमिट करती है कि भाई इससे ज्यादा आप लोग इस्तेमाल लिमिट को इससे ज्यादा आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सा फाइबर इस्तेमाल होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपके पास सिंगल मोड फाइबर इस्तेमाल होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्रोमेटिक डिस्पर्शन तो होती है लेकिन भाई वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की बात होती है। लेकिन मल्टी मोड फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस के इस्तेमाल क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल वेवलेंथ मल्टीपल सिग्नल जब जाते हैं, इनके इंटर मॉडल डिस्पर्शन जब आहिस्ता आहिस्ता भी स्टार्ट होती है ना, तो एक दूसरे को चढ़ना ओवरलैप होना शुरू हो जाते हैं, तो मल्टी मोड फाइबर ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करवा सकते आप लोग। अब हम बात करते हैं बेंडिंग लॉस। बेंडिंग लॉस क्या होती है, फाइबर के बेंड की वजह से होता है। बेंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो बेंड, एक होता है मैक्रो बेंड। माइक्रो बैंड क्या होता है, माइक्रो बैंड ये होता है भाई कि आपके पास, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, देखो ये कोर, हमने वही मैं स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि भाई कोर होती है, कोर की और क्लैड का एक इंटरफेस होता है, यहाँ पे इसकी हाई डेंसिटी, यहाँ पे इसकी लो डेंसिटी, सही है। लेकिन समटाइम क्या होता है, यहाँ पे मिक्सिंग की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से हल्के हल्के बैंड बन जाते हैं, यानी समझो कि थोड़ी सी कोर दब के थोड़े से ऊपर चलेगी, या थोड़ा सा क्लैड जो है दब के थोड़ा सा नीचे आ गया, तो हल्के हल्के बैंड बन गए। इन बैंड की वजह से ये हल्का सा बैंड आ गया, ये सही है, समझो ये कोर है और ये क्लैड है, इसमें फाइबर लाइट ट्रेवल कर रही है। तो भाई लाइट जब ट्रेवल करते है, ये सीधी गई, इधर गई, इधर जाने के जब गई तो उसको ऊपर जाए टकराना था, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आ गया, तो उसके बाद इसका एंगल ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन थोड़ा चेंज हो गया, तो ये जब चेंज हो गया तो वो सीधा गलत एंगल से आगे टकरा गई। और आपको पता है जब गलत एंगल से टकराएगी, मैंने आपको फाइबर वाली वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में बताया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक एंगल को मेंटेन करना जरूरी होता है, उस एंगल से अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए थोड़ा कम हो जाए तो मामला खराब हो जाते हैं और लाइट जो है कोर से क्लैड में ट्रेवल कर जाएगी। तो इसमें क्या, थोड़ा सा पार्ट जो है कोर से क्लैड में चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं माइक्रो बैंडिंग। एक होता है मैक्रो बैंडिंग। मैक्रो बैंडिंग कब होता है, जब आप लोग फाइबर ऑप्टिक इंस्टॉल कर रहे होते हो उस वक्त आपको कहा जाता है कि भाई फाइबर को एक हद से ज्यादा मत मोड़ो। एक तो बात ये टूट जाएगा अगर विदाउट जैकेट होगा तो, लेकिन अगर जैकेट के साथ भी होगा, फुल कोटिंग में भी होगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एक हद से ज्यादा मोड़ोगे ना, उससे क्या होगा, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अंदर का चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से जो है कोर से जो है लाइट निकल के क्लैड में चली जाएगी। सही, ये बात समझने के लिए आपको वही ऑप्टिकल फाइबर वाली वीडियो सुननी पड़ेगी। तो इसे हम कहते हैं बेंडिंग लॉसेस। तमाम लॉसेस को डिटेल में अपनी पोस्ट में अपलोड कर चुका जो एकेडमी की साइट पे मौजूद है ऑप्टिकल फाइबर लॉसेस के नाम से, उसको एक इसके बाद को जाकर रीड कर लेना। अच्छा, अब इन लॉसेस को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो जो स्टार्टिंग में एब्जॉर्प्शन लॉस आया था उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, बस ना बोलूंगा अच्छी क्वालिटी का फाइबर लो, जिस फाइबर की करेक्टरिस्टिक्स अच्छी हैं वो परचेज करो। स्कैटरिंग लॉस आया था उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, फाइबर की अपनी इंटरनल कंस्ट्रक्शन की वजह से था। अब आजकल जो है क्या नाम है, अच्छी मशीन्स आ गई हैं, अच्छी कंपनी से अच्छा फाइबर परचेज करो, काम हो जाएगा, नो इशू। उसके बाद लॉस आया था हमारे पास, कौन सा था भूल गया मैं, डिस्पर्शन लॉस आया था। इसके लिए भी आपसे एक आप ये कर सकते हो कि भाई फाइबर की एक सिंगल मोड है तो उसकी भी एक लिमिट होती है, वो भी आपकी करेक्टरिस्टिक्स पता होती है, भाई इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करो तो आप नहीं करना,
मल्टीमोड फाइबर, उसकी भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होती है कि भाई इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना तो नहीं करना, सही है। ये जो बेंडिंग लॉस होता है ये आपके हाथ में होता है। ये आपके हाथ में क्यों होता है कि भाई जब फाइबर को हैंडल किया करो तो एहतियात से खींचा करो, बजाय इसके खींचने के उसको पुश करने पर ज़्यादा गौर दबाना। मतलब ये कि एक फाइबर इंस्टॉल करना हो आपने उसको खींच के ले आना, बजाय इसके आगे से पड़ोगे तो खींचते रहो, जिस पॉइंट से पड़ोगे खींचोगे ना वहाँ पर खिंचाव ज़्यादा आ जाए क्योंकि पीछे वेट ज़्यादा है, तो बजाय से खींचने के मल्टीपल पर्सन खड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे पुश करें, आहिस्ता आहिस्ता फाइबर को आगे लेके, यानी ज़्यादा प्रेशर उस पावर फाइबर के ऊपर ना पड़े। अगर पड़ेगा तो जो है आपके पास खिंचाव आएगा इसके अंदर या इसके ऊपर बैंड आ जाएगा किसी वजह से, या इंटरनल डिस्टर्बेंस आएगी, तो ये लॉसेस में क्रिएट होंगे। वही बातें आपकी मैंने यहाँ पे लिखी हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो academy-ki.com की वेबसाइट पे जाके जो है साइट को भी लाइक करना, यहाँ पे अपना नेम और ईमेल एड्रेस लिख के सब्सक्राइब करवाना। सब्सक्रिप्शन का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसको उसमें अपना ईमेल एड्रेस लिख के ईमेल और नेम एड्रेस लिख के सब्सक्राइब कर देना, और जो यूट्यूब का चैनल है उसको भी लाइक कर देना, और जब लाइक करोगे बेल आइकन दबाओगे तो यहाँ पे पर्सनलाइज यहाँ पे क्लिक कर देना, ताकि इन फ्यूचर जो भी पोस्ट अपलोड करूँ बाय नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। शुक्रिया।